हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर चिराग चौधरी फ्रॉम जीनियस इन मेकिंग एकेडमी। आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जिसका डिस्कशन होगा अबाउट टेक ओवर कोड। सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टेक ओवर कोड, और मैं मैक्सिमम टाइम लोगों को देखता हूं इस चैप्टर को छोड़ते हुए या फिर इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए। सो माय नेक्स्ट टारगेट इज कि इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा टफ चीज है, अब देखिए ऑब्वियसली मैं पूरा चैप्टर नहीं कवर कर सकता क्योंकि आप भी अपने एग्जाम्स के एकदम एंड में आ चुके हैं और आप लोगों ने अब इसको बस जल्दी से तैयार करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट की टर्म्स है या फिर मैं बोलूं जो सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको कवर करेंगे। तो नाउ इन दिस एक्ट, अभी टेक ओवर कोड के अंदर अपन ने क्या देखना है, टेक ओवर कोड के अंदर हमने देखना है कि भाई एक्विजिशन का मतलब क्या होता है। टेक ओवर कोड के अंदर हम इसी चैप्टर के अंदर आगे देखेंगे कि भाई कब कब जब आप लोग कोई शेयर अक्वायर करने जा रहे हैं सामने आपके ऊपर मैंडेटरी ऑफर का प्ले आता है, दैट इज हम लोग मैंडेटरी ऑफर देखेंगे, ठीक है एकदम। और साथ साथ में इसका लास्ट जो सबसे एंड में अगर आप देखते हैं दैट इज रेगुलेशन 10। अच्छा, रेगुलेशन 10 क्या है? रेगुलेशन 10 है ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन। रेगुलेशन 10 है ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन। जब ये चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैंडेटरी ऑफर, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, जो करना ही है, और रेगुलेशन 10 क्या कह रहा है, कब कब जो मैंडेटरी चीज है वो आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर ये तीन चीजें आप लोग कवर करते हैं तो आपने मैक्सिमम पार्ट ऑफ द चैप्टर एकदम सही तरीके से कवर कर लिया है। अगेन ये आपको टोटल चैप्टर की कवरेज नहीं देगा, ये आपको लॉजिकली इन कंसेप्ट को क्लियर करेगा। सो माय रिकमेंडेशन इज आप हमेशा पूरा मॉड्यूल रीड करेंगे। ये जो सबसे टेक्निकल पार्ट है मैं इस पूरे वीडियो के अंदर आपको कवर करके दूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हेन आई से टेक ओवर, व्हाट डू यू मीन बाय टेक ओवर? आप लोगों ने कभी टेक ओवर वर्ड सुना होगा बार बार, तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, हमने समझना है टेक ओवर का मतलब होता है टेकिंग ओवर कंट्रोल। टेक ओवर का मतलब होता है टेकिंग ओवर कंट्रोल। अच्छा, कंट्रोल ऑफ व्हाट? अब बात समझेंगे, यहां पे दो कंपनीज है ए बी, दो कंपनीज है ए बी। अब बात समझेंगे, ए कंपनी बोल रही है कि मेरे को बी को टेक ओवर करना है। इसका मतलब क्या है? ए कंपनी बोल रही है कि मेरे को बी को क्या करना है, कंट्रोल करना है। यहां तक सब साथ में है मेरे? ए कंपनी बोल रही है मेरे को बी को कंट्रोल करना है। नाउ नाउ जो शेयर्स को अक्वायर कर रहा है उसको क्या बोलोगे? जो शेयर्स को अक्वायर कर रहा है, अक्वायर कौन कर रहा है यहां पे? ए। तो जो शेयर्स को अक्वायर करता है उसको अपन बोलते हैं अक्वायरर कंपनी। हम उसको क्या बोलते हैं? अक्वायरर कंपनी, ठीक है एकदम। अच्छा, ए सामने वाली कंपनी को टारगेट कर रहा है और उसके शेयर अक्वायर कर रहा है, इसीलिए सामने वाली कंपनी को क्या बोलेंगे? टारगेट कंपनी। अभी श्योर ए इज द अक्वायरर कंपनी, बी इज द टारगेट कंपनी। अच्छा, ये अक्वायरर क्यों बना और ये टारगेट क्यों बना? क्योंकि ए क्या चाहता है उसके ऊपर? कंट्रोल एक्सरसाइज करना। नाउ मैंने से कंट्रोल एक्सरसाइज करना, कंट्रोल एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है? या तो ये बी के अंदर इतने शेयर्स खरीद लेगा, या तो ये बी के अंदर इतने शेयर्स खरीद लेगा कि ये बी को जो ऑर्डर दे बी को उसे फॉलो करना पड़े। इसका मतलब है कंपनी के अंदर मोर देन 50% शेयर्स खरीद लेगा, मोर देन 50% शेयर्स खरीद लेगा। अगर आज बी के अंदर मोर देन 50% शेयर्स मेरे पास आ गए तो जो भी रेजोल्यूशन पास कर रहा होगा उसमें मैं वोट करूंगा, और मोर देन 50% वोट करूंगा मतलब मेरी चलनी है। सो इफ आई से कि हम लोगों को एक मशीनरी परचेज करने की नहीं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसे एकदम आप लिटरल सेंस में नहीं लेंगे। अगर मैं कहता हूं बी कंपनी को डिसाइड करना है कि हमें एक मशीन खरीदनी चाहिए कि नहीं, और मेरे पास मोर देन 50% ऑफ द वोट है, तो चाहे पूरी कंपनी के लोग कुछ और बोले और सिर्फ अगर मैं कह दूं कि हां खरीदनी चाहिए, तो क्या मैं कह सकता हूं इनको मेरी बात माननी पड़ेगी? आंसर टू दैट इज प्रीटी मच यस। इसीलिए जब आपके पास मोर देन 50% ऑफ द शेयर हो जाते हैं आप कंट्रोल एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। या फिर दूसरा मैं बोलू, आपने इस तरीके से शेयर इस तरीके से कंट्रोल अक्वायर किया है जिसकी वजह से जो सामने वाली कंपनी का मैनेजमेंट है, जो सामने वाली कंपनी का मैनेजमेंट है, इट इज अकस्टम to work on your advice। क्या मतलब हो गया? कि आपने बी के ऊपर इस तरीके से कंट्रोल एक्सरसाइज किया है कि सामने वाला मैनेजमेंट आपके कहने पे चल रहा है, या फिर मैं बोलूं जहां पे आपके पास मैनेजमेंट के अंदर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या फिर रिमूव करने का राइट आ गया है, अपॉइंट या फिर रिमूव करने का राइट आ गया है, तब भी मैं क्या बोलूंगा कि आपके पास क्या आ गया है? कंट्रोल।
यहां तक एकदम श्योर है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू टेक ओवर, जहां पे एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है। नाउ डू रिमेंबर वन थिंग, इसके अंदर बार बार एक टर्म यूज होती है, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। बार बार वर्ड यूज क्या होता है, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, जिसको आप लोग इन शॉर्ट पीएसी भी कहते हो। आपको पीएसी बार बार पढ़ना है, पीएसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस होता है। ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है अभी के लिए, एक बार क्योंकि इस वीडियो का हमारा टारगेट पीएसी को कवर करना नहीं है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। बट स्टिल पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट का इन शॉर्ट मतलब होता है जो मेरे साथ किसी कंपनी को टेक ओवर करने में मदद कर रहा है। तो जस्ट टू से यहां पे सी डी ई एफ, इन लोगों से मैंने एक फॉर्मल अग्रीमेंट कर लिया है, या फिर इन लोगों से मैंने किसी भी तरीके से एक इनफॉर्मल बात कर ली है कि भाई हम सब लोगों ने मिलकर किसके शेयर्स खरीदने, बी के शेयर्स खरीदने, और वक्त आने पे जब मैं आपको बोलूंगा तो आप सब लोग अपने शेयर्स किसको ट्रांसफर कर देंगे, मुझे ट्रांसफर कर देंगे। तो जस्ट एन एग्जांपल, मैं बी के शेयर्स टेक ओवर करना चाह रहा था पर बी मुझे उसको टेक ओवर नहीं करने दे रहा था, या फिर बी मुझे रोक रहा था, और मैंने क्या किया, सी डी ई और एफ को बोल दिया कि तुम सब लोग भी शेयर्स खरीदना चालू कर दो, अलग 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 शेयर्स खरीदते रहो, और जब हम सब लोगों के पास मिला के मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स हो जाएंगे तो हम सब इसको साथ में कर लेंगे, और क्या एक्सरसाइज करेंगे, बी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे। यहां तक एकदम शॉर्ट है, बट स्टिल आई वॉन्ट कि आप पीएससी को प्रॉपरली बुक से एक बार रीड करें। अगर हमें वापस से मौका मिला तो मैं जरूर पीएससी के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो जरूर बनाऊंगा। नाउ कमिंग बैक, हम लोग टेक ओवर की बात कर रहे थे, अब हमें पता है कि टेक ओवर का मतलब क्या होता है। एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करे, दैट इज टेक ओवर। जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इज नोन एज अक्वायरर, जिसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो इज नोन एज टारगेट, जो आपके साथ आपको मदद कर रहे हैं, दीज आर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। आर वी श्योर? नाउ सेबी ने ये एक्ट क्यों बनाया यार, अगर मैं ये कंपनी इसको टेक ओवर कर रही है तो सेबी को क्या प्रॉब्लम है? सेबी शुड बी लाइक, ठीक है आपकी मर्जी, आप कर रहे हैं करें, हम क्यों बीच में आ रहे हैं? पर बात समझिएगा, अब टेक ओवर दो तरीके का होता है, टेक ओवर दो तरीके का होता है। आई एम रिमूविंग दिस वर्ड कोड, टेक ओवर इज ऑफ टू टाइप्स, एटलीस्ट आपके मॉड्यूल के लिए इतना ही जरूरी है। टेक ओवर में एक होता है हॉस्टाइल टेक ओवर, एक होता है हॉस्टाइल और दूसरा होता है फ्रेंडली टेक ओवर। नाउ इसको एक एग्जांपल से मैंने समझने की कोशिश करते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। अगेन इट्स अ फन लविंग एग्जांपल, प्लीज पूरे एग्जांपल में खोना जाए। व्हेन आई एम सेइंग हॉस्टाइल टेक ओवर, व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्टाइल टेक ओवर? अब क्या हुआ कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ गार्डन में घूम रहा था, आराम से हाथ में हाथ पकड़ रखा था, हम बातें कर रहे थे, हम मूव कर रहे थे। इतने में मेरा एक स्टूडेंट आया और उसने बोला, सर आपका लेक्चर है, आपको टाइम पे क्लास के अंदर जाना चाहिए और जाके पढ़ाना चाहिए। मैंने कहा वाओ, सच अ गुड स्टूडेंट, अच्छा क्या आप एक काम करेंगे, क्या प्लीज आप मेरी गर्लफ्रेंड को घर पे छोड़ देंगे जब तक मैं जाके लेक्चर ले लेता हूँ? उसने कहा बिल्कुल सर, मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने जाके छोड़ दिया। अब अगले दिन मैं फिर गार्डन में घूम रहा था, फिर से वो स्टूडेंट आया, सर लेक्चर जाओ जाके लेक्चर लीजिए। मैं कहा ठीक है, प्लीज उसे घर ड्रॉप कर देना। उन्होंने फिर से ड्रॉप कर दिया। बार बार भाभी को वो ड्रॉप करते रहे और बार बार मैं लेक्चर लेता रहा। एक दिन आपकी भाभी ने मुझे ड्रॉप कर दिया और बोला आई एम सॉरी, अब मुझे मेरा वो जो स्टूडेंट छोड़ने आता था उससे प्यार हो गया है, एंड शी लेफ्ट मी। अब बात समझेंगे, मेरे साथ गलत हुआ कि नहीं? मैंने उस पर विश्वास किया क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट था और उसने चोरी छुपके क्या किया, मेरी ही चीज अक्वायर कर ली, उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर लिया। व्हाट इज हैपनिंग, कहीं ना कहीं चोरी चोरी छुपके छुपके टेक ओवर, दिस इज हॉस्टाइल टेक ओवर, दिस इज हॉस्टाइल टेक ओवर। अब इसको नॉर्मल वर्डिंग से समझते हैं, हॉस्टाइल टेक ओवर इज टेकिंग ओवर द कंट्रोल, हॉस्टाइल टेक ओवर इज taking over the control against the management or against the will of the management. जहाँ पे management की इच्छा ही नहीं थी, यहाँ पे B चाहता ही नहीं था कि आप फिर को acquire करो। B बहुत बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, पर A ने चोरी चोरी छुपके छुपके इसके अंदर क्या कर दिया, control exercise करना चालू कर दिया। This is known as hostile takeover. The act is trying to regulate this. Next is friendly takeover. अच्छा, friendly takeover का मतलब क्या होता है? जहां पे बेस्ड ऑन नेगोशिएशन मैं गया मैनेजमेंट के पास, मैंने जाके मैनेजमेंट को बोला कि सर देखो मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं आपको मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार हूं, आप जितना मांगे उतना पैसा हम आपको दे देंगे। अगर मैनेजमेंट भी एट द सेम टाइम मुझे अपनी कंपनी का पार देना चाहता है और अग्री करता है, दैट टेक ओवर इज नोन एज फ्रेंडली टेक ओवर। अच्छा
याद रखना, कभी कभार एग्जाम्स में ये लोग जानबूझ के फ्रेंडली टेक ओवर वर्ड यूज नहीं करते, ये दूसरा वर्ड यूज करेंगे, देर से नेगोशिएटेड टेक ओवर। बात समझना, फ्रेंडली टेक ओवर में क्या हो रहा है, मैं जाके बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे पावर एक्सरसाइज करना है, बोलो कितने में देना है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि हम मांडवली कर रहे हैं, दैट इज नेगोशिएशन कर रहे हैं। इसीलिए फ्रेंडली टेक ओवर इज ऑल्सो नोन एज नेगोशिएटेड टेक ओवर। यहां तक अब बात समझिए, एक्ट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंडली टेक ओवर कर रहे हो करो यार, हम तो चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़े, पर एक्ट बोल रहा है कि मेरे को इसको रेगुलेट करना है, इसको, इस हॉस्टाइल टेक ओवर को रेगुलेट करने के लिए हमारे चैप्टर का मैं जो मैंने आपको बोला दूसरी चीज कवर करूंगा, दैट इज मैंडेटरी ओपन ऑफर, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप यहां तक सबको एकदम क्लियर है। अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं टू ओपन ऑफर। अच्छा, अब ओपन ऑफर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को यहां से छोड़ना चालू कर देते हैं कि भाई ओपन ऑफर समझ में नहीं आ रहा, एग्जेम्पशन समझ में नहीं आ रहे। अब एक चीज समझनी, बात समझो, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ए इसको अक्वायर करना चाह रहा है और बी इधर अक्वायर होने वाला है। यार एक बात समझ रहे हो, बी को अक्वायर कर रहे हो मतलब क्या, मैं कह सकता हूं बी के शेयर्स को टेक ओवर कर रहे हो, आप बी के शेयर्स अक्वायर कर रहे हो। जब आप बी के शेयर्स अक्वायर कर रहे हो इसका मतलब है इन शेयर्स को पहले किसी शेयर होल्डर ने ले रखा था, इन शेयर्स को पहले किसी शेयर होल्डर ने ले रखा था, और अब आप क्या बोल रहे हो कि अब इस बी के शेयर होल्डर से मैं इन शेयर्स को अक्वायर करूंगा और खुद के नाम पे ले लूंगा, दिस इज व्हाट योर नेक्स्ट टारगेट इज। अब दोस्त बात समझो, जब मैं बात बोलूं ओपन ऑफर, ओपन ऑफर को बेझिझक समझना, ओपन ऑफर को बेझिझक समझना, एक एग्जिट ऑप्शन, एक एग्जिट ऑप्शन। यार मैंने जब बी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे तब मैंने खरीदे थे क्योंकि मुझे बी का मैनेजमेंट पसंद था, क्योंकि मुझे बी का नाम पसंद था, और आज बी को कोई और टेक ओवर करने जा रहा है। आपको नहीं लगता कि मुझे चॉइस मिलनी चाहिए कि क्या मैं अब भी बी के साथ रहना चाहता हूं या नहीं रहना चाहता? इन दिस केस हम क्या बोलते हैं कि अक्वायर, ये ए जब आपके शेयर्स अक्वायर करने की कोशिश करता है तो सेबी बीच में आता है, वेट, सेबी बोलता है वेट, अगर तेरे को बी को अक्वायर करना ही है और तू इतनी ईमानदारी से बी को अक्वायर करना चाहता है तो तेरे को क्या देना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ओपन ऑफर का मतलब क्या होता है, एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा। अच्छा, एग्जिट ऑप्शन किसको देगा, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को देगा, सही बात है एकदम। सो एग्जिट ऑप्शन इज गिवन टू द टारगेट कंपनी शेयर होल्डर। आई होप यहां तक सबको साफ है। अब ओपन ऑफर दो तरीके से होता है, ओपन ऑफर दो तरीके से होता है, एक होता है मैंडेटरी ओपन ऑफर, दूसरा होता है वॉलंटरी। यहां तक सब साथ में है, एक होता है मैंडेटरी, दूसरा होता है वॉलंटरी। अब बात समझेंगे मैंडेटरी का मतलब क्या है और वॉलंटरी का मतलब क्या है। मैंडेटरी ओपन ऑफर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, मैंडेटरी ओपन ऑफर आपके लिए क्या क्रिएट करता है, ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि जब कभी भी हम आपको जिस बात पे बोलेंगे आप वहां पहुंच गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैंडेटरी ओपन ऑफर करना पड़ेगा। मतलब ये आपका ऑब्लिगेशन है जो आप अगर इस एक्ट के अंदर आते हैं तो आपको फॉलो करना ही है। वॉलंटरी ये आपका डिस्क्रिशन है, ये आपका डिस्क्रिशन है, मतलब आप चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो। अब इस चीज को डील करना बहुत सिंपल है और आप लोग एक बार भी रीड मारेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। द मेन टफ पार्ट इज द मैंडेटरी पार्ट और हम लोग इसमें अब मैंडेटरी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए ठीक है ना, अगर आप लोग के पास प्लीज एक कॉपी पेन है तो प्लीज उसे नोट डाउन करते जाइए ताकि आप लोग को बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक बार के लिए अगर जरूरत पड़े तो आप वीडियो पॉज करिए और पहले कॉपी पेन ले लीजिए। ना व्हाट डू यू मीन बाय मैंडेटरी ओपन ऑफर, मैंडेटरी मतलब ऑब्लिगेशन, अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है। नाउ व्हेन यू सेइंग आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है मतलब ये आपको करना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव, तो सेबी क्या कह रहा है कि भाई मैं आपको ट्रिगरिंग पॉइंट दूंगा, मैं आपको क्या दूंगा, ट्रिगरिंग पॉइंट दूंगा। अच्छा, ये ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं कि जिस दिन आप इस ट्रिगर पॉइंट पे आ गए आपके ऊपर क्या लग जाएगा, एक ऑब्लिगेशन लग जाएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक ओपन ऑफर करना पड़ेगा। रिपीट विद मी अगेन, सेबी ने आपके लिए क्या दिए हैं, ट्रिगरिंग पॉइंट दिए हैं। ट्रिगरिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, थ्रेशहोल्ड लिमिट, जब इस लिमिट पे आप आ जाओगे आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगा, ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी एक
ओपन ऑफर करना पड़ेगा। यहां तक एकदम साथ में है। अब सबसे पहला ट्रिगरिंग पॉइंट कब आता है, सबसे पहला ट्रिगरिंग पॉइंट कब आता है, अब बात समझेंगे। आज मैं कंपनी के शेयर्स खरीदना चालू करता हूं, मैंने 1%, 2%, 5%, 7%, 10% शेयर्स खरीदे, दे आर नॉट कंसर्न। इतने छोटे अमाउंट ऑफ शेयर अगर आपने लिए तो कोई इतना कंसर्न नहीं, ऑल्दो 5-10% बहुत ज्यादा होता है, बट सेबी टेक ओवर कोड यहां पे बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब शुरू हो रही है, जब अक्वायर ने अलोन या फिर अपने पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, याद है अपने स्टार्टिंग में पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट की बात की थी, जब अक्वायर अलोन या फिर अपने पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के साथ मिलके सामने वाली टारगेट कंपनी के 25% और मोर शेयर्स अक्वायर कर दिया, कितने 25% और मोर। अब एक बात समझेंगे, क्या आपने 25% अगर शेयर्स ले लिए तो आप उस कंपनी के मालिक बन गए, द आंसर इज नो। पर सेबी क्या कह रहा है कि अगर तूने 25% या इतने शेयर्स ले लिए हैं, इसका मतलब है कि तेरा इंटेंशन उसको कंट्रोल करने का है, हमें लग रहा है कि तेरा इंटेंशन कंट्रोल करने का है। अब यहां पे आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर नहीं है, हमको तो यहीं तक खरीदने थे, हमारा मूड था खरीदने का। इन केस आपका मूड था तो सेबी क्या कह रहा है कि 25% तक तू खरीद, अगर यहां से भी तेरा मूड है तो फिर ओपन ऑफर कर, और मूड नहीं है तो इसको खरीद के रहना आराम से, तेरे को डिविडेंड मिलता रहेगा। सो इफ अ कंपनी और सॉरी इफ अ अक्वायरर और पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट टुगेदर होल्ड मोर देन 25% और 25% और मोर शेयर्स इन द टारगेट कंपनी, द फर्स्ट थ्रेशोल्ड और द फर्स्ट ट्रिगरिंग पॉइंट हैज अराइव्ड। अब यहां पे सेबी क्या बोल रहा है कि यहां से कोई भी अगर आपको फर्दर एक्विजिशन करना है, मतलब यहां से अगर आपको और शेयर्स खरीदने हैं तो आप लोगों को मैंडेटरीली क्या देना पड़ेगा, एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा। अच्छा इसे के ओपन ऑफर का मतलब क्या होता था, एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट ऑप्शन किनको देते हैं अपन, शेयर होल्डर। मतलब क्या हुआ, ओपन ऑफर का मतलब है कि इस बार अक्वायरर बोल रहा है सारे शेयर होल्डर्स को कि भाई जिन जिन को चाहिए आप अपने शेयर्स मुझे बेच दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। क्यों, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है, इस कंपनी को कंट्रोल करने का। यहां तक एकदम सब साथ में है। नाउ आप लोगों ने फर्दर अक्वायर करना है तो एक क्वेश्चन आता है कि यार सर मान लिया 25% हम पहुंच गए और आप कह रहे हो ओपन ऑफर, अरे पर कितने का ओपन ऑफर करूं, कितने लेवल कितने शेयर्स खरीदूंगा, ऐसे तो कल सबके सब आ जाएंगे बेचने, इतना पैसा कहां से लेके आऊं। हो सकता है मैं स्लोली एंड स्टेडली अक्वायर करना चाहता था, तो हमने बोला कि आप जब ओपन ऑफर करोगे तो आपको ओपन ऑफर कितने का करना है, 26% का करना है। मतलब कि जब आप 25% पे आ जाओगे आपको यहां एक ओपन ऑफर करना पड़ेगा कि आप और कितने शेयर्स खरीदना चाहते हो, 26% शेयर्स खरीदना चाहते हो। अब देखो यहां पे लॉजिक एकदम क्लियर है, सेबी ने जान पूछ के आपके साथ ऐसा किया है। अभी आपके पास कितने शेयर्स थे, 25%, आप और कितने मान रहे हो, 26 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 51%। तो सेबी क्या बोल रहा है, अगर तेरा इंटेंशन इतना क्लियर है और तेरे को उसको अक्वायर करना ही है तो कितने का ऑफर दे, 26% का ऑफर दे। इसीलिए दैट बिकम्स द फर्स्ट ट्रिगरिंग पॉइंट, और आपको ओपन ऑफर कितने का करना पड़ेगा, 26% का करना पड़ेगा। अब यहां पे एक बात समझेंगे, आपने 26% का ओपन ऑफर करना है, अगर सामने वाले बेचने को तैयार नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर आप आराम से अक्वायर कर सकते हैं। सेबी का क्या कहना है कि हम चाहते हैं कि आप टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को क्या दो, एक एग्जिट ऑप्शन दो। अब उसके बाद उन्हें एग्जिट चाहिए कि नहीं चाहिए वो उनका लुकआउट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस बिकम्स ट्रिगरिंग पॉइंट 1, 25% और मोर। अब यहां से समझना ट्रिगरिंग पॉइंट 2 कहां आता है, ट्रिगरिंग पॉइंट 2 कहां आता है। अगर आपने 25% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, अगर आपने 25% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं पर 75% से कम खरीदे हैं, 25% से ज्यादा 75% से कम खरीदे हैं, अभी तक मैंडेटरी ऑफर नहीं आया है, यहां से सुनना कब आएगा। इफ इन एनी केस यू हैव मोर देन 25% ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी बट लेस देन 75% शेयर्स ऑफ द कंपनी, सेबी क्या बोल रहा है कि अगर उस टाइम पे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, आई होप आप सबको पता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एंडिंग 31st मार्च। नाउ अगर उस फाइनेंशियल ईयर में आपको कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो हमने बोला अगर अप टू 5% शेयर्स आप खरीदते हो तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। पर वापस से सेकंड पॉइंट कब आता है, 25% से 75% के बीच में, अगर उस साल में उस फाइनेंशियल ईयर में जब आपके पास 25% से ज्यादा शेयर्स थे पर 75% से कम शेयर्स थे, अगर उस टाइम पे आपको और शेयर्स खरीदने हैं वो भी कितने परसेंट से ज्यादा,
5% से ज्यादा, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, ओपन ऑफर करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप उस साल में 5% से कम शेयर्स खरीदते हो तो आपको ओपन ऑफर करने की जरूरत नहीं है। ये था आपका सेकंड ट्रिगरिंग पॉइंट। नाउ अब कोई रिकॉल, ट्रिगरिंग पॉइंट वन कब लग रहा था, जैसे ही आप लोगों ने अपने पीएससी के साथ मिलकर कितने परसेंट शेयर एक्वायर किए, 25% और मोर एक्वायर कर लिए, आपको एक ओपन ऑफर करना पड़ेगा। कितने परसेंट का, 26% का। सेकंड कब लग रहा था, जब 25% से ज्यादा खरीद लिए थे पर 75% से कम थे। अब यहां पे कब लगेगा ओपन ऑफर, जब आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कितने परसेंट से ज्यादा, 5% से ज्यादा शेयर एक्वायर करने की कोशिश की, आपको फिर से ओपन ऑफर करना पड़ेगा। सर कितने परसेंट का, मेक श्योर हर बार ओपन ऑफर कितने परसेंट का ही होगा, 26% का ही होगा, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आने वाला है। Now, the last triggering point, जिसको बोला नहीं जाता है पर deemed to भी आपको समझना पड़ेगा। जब आप 75% पे पहुंच जाएंगे, जब आप 75% पे पहुंच जाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। This was your mandatory offer, mandatory offer जहां पे मैंने आपको अलग अलग triggering points बताए जब आप लोग को open offer करना पड़ेगा। Now, That being said, ये regulation खत्म होता है और यहां से अपन जा रहे हैं अपने इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे, अपने इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे, that is exemption from making an open offer। अच्छा, अभी आप सबको पता है ओपन ऑफर क्या होता है, अभी आप सब लोगों को पता है कि मैंडेटरी ऑफर क्या होता है। अब बात समझेंगे, आप लोगों को पता है ओपन ऑफर क्या है, आप लोगों को पता है कि आप लोग को कैसे ओपन ऑफर देना है, पर क्वेश्चन आया कि क्या कभी ऐसा सीन हो सकता है कि इस ओपन ऑफर को देने से आपको क्या मिले, एग्जेम्प्शन मिले। अब अगर आप अपनी बुक खोल के देखोगे इस टाइम पे, अगर आपके मॉड्यूल में, आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग प्लीज अबाइड बाय द मॉड्यूल, आप लोग को मॉड्यूल के अलावा कोई चीज हाथ लगाने की जरूरत नहीं है ना। ओपन ऑफर में आपको एग्जेम्प्शन भी मिलते हैं कभी कभी। अच्छा, एग्जेम्प्शन कहां दिए गए, प्लीज डू मेंशन इट इन रेगुलेशन 10। रेगुलेशन 10 के अंदर आपको एग्जेम्प्शन दिया गया। अच्छा, एग्जेम्प्शन का मतलब क्या होता है, जब मैंने कहा था मैंडेटरी ऑफर, मैंडेटरी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, एग्जेम्प्शन का मतलब क्या होता है, नॉट टू फॉलो दैट ऑब्लिगेशन। अब रेगुलेशन 10 कह रहा है कि यार देखो, ओपन ऑफर हर अक्वायरर को देना ही है, पर अगर जो हम बता रहे हैं इन कंडीशंस में आप फंस गए तो आपको ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से शेयर्स खरीद के रख सकते हो, आपके पास ही रहेंगे विदाउट मेकिंग एन ओपन ऑफर, और जहां पे आप ट्रिगरिंग पॉइंट को भी पार कर जाएंगे, एकदम ठीक है। नाउ अगर आप लोग को चाहिए प्लीज इसके नोट बनाते जाइए, चाहिए तो आप अपने मॉड्यूल में मार्क कर सकते हैं। आपके मॉड्यूल में रेगुलेशन 10 को बहुत बड़ा दिया गया है, इतना बड़ा नहीं लिखना है गाइस। एट दिस पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ऐड वन वेरी थिंग वेरी क्लियर, जब आप सीएस के आंसर लिख रहे हो ओनली क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डज नॉट मैटर, बड़े बड़े आंसर्स रिजेक्ट होते हैं, आपने सिर्फ अप टू द पॉइंट बताना है। एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि क्या ये बंदा एक प्रोफेशनल आदमी है, क्या ये प्रोफेशनल आदमी है जो आंसर्स को एकदम जस्टिफाई कर सकता है। अननेसेसरी बल्किंग अप नहीं करना है, बीकॉम नहीं दे रहे हो, आप लोगों ने सिर्फ अप टू द पॉइंट बात करनी है। नाउ एग्जेम्प्शंस की बात करते हैं, सबसे पहला एग्जेम्प्शन है एक्विजिशन बिटवीन इंटरस्टेट ट्रांसफर। अच्छा, तो पहला क्या है, इंटरस्टेट ट्रांसफर के ऊपर, जब शेयर्स हुए इंटरस्टेट ट्रांसफर। अच्छा, अभी बात समझेंगे इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, पहले इंटरस्टेट का मतलब समझ लो। इंटरस्टेट ट्रांसफर का मतलब होता है इन बिटवीन कौन से लोग, अब एक बात समझेंगे, ओपन ऑफर में आपसे क्यों करवा रहा हूं, ओपन ऑफर में आपसे इसलिए करा रहा हूं, जब कोई अक्वायरर कंपनी सामने वाली कंपनी के अंदर के शेयर्स खरीदने की कोशिश कर रही है और हम दूसरे लोगों को एग्जिट ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि प्लीज आप लोग एग्जिट लीजिए, क्योंकि यहां तो सामने दिख रहा है कि ये तो अक्वायर कर लेगा, तो अगर आपको जाना है तो आप ओपन ऑफर के तहत बाहर निकल सकते हैं। पर अब जो मैं केसेस आपको बताऊंगा वहां पर आपको समझना है कि अगर इन लोगों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो इनको ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। अगर सबसे पहले बात करें कंपनी के प्रमोटर्स के बीच में, इंटरस्टेट ट्रांसफर बिटवीन प्रमोटर्स, इंटरस्टेट ट्रांसफर बिटवीन प्रमोटर्स, अब प्रमोटर्स कौन होते हैं, जिसने इन कंपनी को बनाया था, जिसने इस कंपनी को बनाया था, क्या एक से ज्यादा प्रमोटर भी हो सकते हैं, ना आंसर टू दैट इज यस, प्रमोटर्स लिखा है मैंने, इसीलिए एक से ज्यादा प्रमोटर्स भी हो सकते हैं। तो अगर प्रमोटर्स इन बिटवीन एक दूसरे में, प्रमोटर्स इन बिटवीन एक दूसरे में शेयर ट्रांसफर करते हैं, तो हमने क्या बोला, ऐसे केस के अंदर अगर आपकी एक प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 25% से ज्यादा हो भी जाए तब भी आपको ओपन ऑफर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग तो कंपनी के क्या है यार, प्रमोटर्स, इन्होंने ही तो कंपनी को बनाया था। सो आप अगर अपने मॉड्यूल में देखेंगे, सो एक्विजिशन पर्सनल टू इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स
among these person. तो सबसे पहले कौन से हमारे प्रमोटर्स हैं? अच्छा, पर एक चीज समझना, एक रूल बोला गया इसमें कि ये जो प्रमोटर्स हैं, ये इस कंपनी के प्रमोटर होने चाहिए कितने टाइम से? एटलीस्ट पिछले 3 साल से। अगर आप पिछले 3 साल से इस कंपनी के प्रमोटर हो, तब आपको एग्जेम्प्शन मिलेगा। सो लेट्स सपोज अभी कोई नया प्रमोटर कंपनी के अंदर ऐड हुआ है, उसको नहीं चलेगा ये इंटरसे वाला रूल। और अगर हमने उस प्रमोटर के साथ शेयर्स की अदला बदली की, तो हमारे ऊपर क्या लग जाएगा? ओपन ऑफर लग जाएगा। नेक्स्ट अप, इंटरसे ट्रांसफर बिटवीन। ये एक ही पॉइंट के सब पॉइंट्स हैं। इंटरसे ट्रांसफर बिटवीन इमीडिएट रिलेटिव्स, बिटवीन इमीडिएट रिलेटिव्स। अच्छा, इमीडिएट रिलेटिव्स का मतलब क्या हुआ? जो एकदम इस बंदे से कनेक्टेड है, जिसके शेयर्स में उससे कनेक्टेड है। तो अगर ये एक दूसरे में शेयर्स की हेरा फेरी कर रहे हैं, हमने कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप कंपनी को हार्म नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ इंटर से ट्रांसफर चल रहा है रिलेटिव के बीच में। इनको भी अपन ने ओपन ऑफर से क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया। चल रहे आगे। अच्छा, आप तीसरा पॉइंट देखिए, अ कंपनी इज सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी। तो आपने इसको कैसे लिखना है? कंपनी होल्डिंग इट्स सब्सिडरी। अब हमने क्या बोला, अब एक बात समझेंगे, होल्डिंग कंपनी का मतलब और सब्सिडरी का मतलब आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोगों को पता है। स्टिल जस्ट फॉर अ क्लैरिफिकेशन पर्पस, होल्डिंग कंपनी जिसके पास सामने वाली कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर्स हो, सब्सिडरी कंपनी जिसके 50% से ज्यादा शेयर किसी कंपनी ने होल्ड कर रखे हो, दैट बिकम्स होल्डिंग सब्सिडरी। चलिए यहां पे आते हैं वापस से। नाउ होल्डिंग सब्सिडरी अगर एक दूसरे में शेयर्स का ट्रांसफर कर रही है, तो उस चीज को हमने बोला कि उसे भी हम क्या बोलेंगे? इंटरसे ट्रांसफर बोलेंगे। और यहाँ पे ओपन ऑफर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन टेक ओवर करने का है ही नहीं। क्यों? ऑलरेडी होल्डिंग सब्सिडरी है, टेक ओवर करना ही नहीं है भाई। नेक्स्ट अप, फोर्थ है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। अच्छा, याद है आपको इस एक्ट की स्टार्टिंग में मैंने आपको पीएसी के बारे में बताया था। अच्छा, पीएसी का मतलब क्या होता था? जो मेरे ही साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट में या फिर एक इनफॉर्मल वार्तालाप करके सामने वाली कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे थे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट और मेरे बीच में अगर मेरे ही पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के साथ मैं शेयर इंटर से ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है यार? वो तो मेरे साथ वैसे ही साथ में गिने जा रहे थे। आपको याद है हमने क्या बोला था? ट्रिगरिंग पॉइंट में आपकी शेयर होल्डिंग और पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट की शेयर होल्डिंग साथ में गिनी जाती है। तो अगर आप और आपके पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट में आप शेयर अदला बदली कर रहे हो या फिर किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो जो क्या है आपका पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट है, तो यहाँ पे भी ओपन ऑफर का रिक्वायरमेंट नहीं आता है, क्योंकि आपकी शेयर होल्डिंग चेंज ही नहीं होगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ए बी सी डी, ये चारों लोग चिराग के मतलब कि मेरे पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट है। मेरे पास कंपनी के 5% शेयर है, इसके पास भी 5% शेयर है, इसके पास भी 5% शेयर है, इसके पास 3% शेयर है, इसके पास 2% शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 10, 15, 20 यहां पे ठीक है। अब एक बात समझेंगे, टू मेक इट मोर रियलिस्टिक, ओके लेट इट बी, हम इसी को कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हम इन सबको ऐड करें, हमने क्या बोला था कि ओपन ऑफर का रिक्वायरमेंट कब आता है? जब चिराग की शेयर होल्डिंग मिलके और उसके पर्सन एक्टिंग इन शेयर होल्डर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न की शेयर होल्डिंग मिलके कितनी हो जाए? 25% या उससे ज्यादा हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओपन ऑफर करना पड़ेगा। पर अब बात समझो दोस्तों यहां पर, अगर अब यहीं पे मैं बोलूं कि चिराग ने अपने 5% शेयर्स ए को दे दिए, या फिर ए ने अपने 5% शेयर्स बी को दे दिए, या बी ने अपने शेयर्स सी को दे दिए, डी ने अपने सी ने अपने आपको अपने शेयर्स डी को दे दिए, क्या हमारी टोटल शेयर होल्डिंग में कोई फर्क पड़ा? द आंसर विल बी नो। अब ए के पास कुछ भी नहीं है, बी के पास 10% शेयर्स है, इसके पास 5% शेयर्स है, इनके पास 5%, हमारा काउंट अभी भी उतना ही रहेगा। इसीलिए हमने बोला कि पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट अगर एक दूसरे में शेयर ट्रांसफर करते हैं, तो उनको ओपन ऑफर से क्या मिलता है? एग्जेम्पशन मिलता है। अच्छा, अब यहां पे भी एक और रिक्वायरमेंट, याद है मैंने प्रमोटर में क्या बताया था कि प्रमोटर कितना पुराना होना चाहिए? 3 साल। सेम आपका पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट भी कितना पुराना होना चाहिए? एटलीस्ट 3 ईयर्स। बस ये आपका पहला पॉइंट होगा जो आप एग्जेम्पशन में यूज करेंगे। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? रेगुलेशन 10 टॉक्स अबाउट ऑटोमैटिक एग्जेम्पशन। प्लीज डू राइट, आई फॉरगॉट टू राइट इट, इट्स ऑटोमैटिक एग्जेम्पशन, मतलब मांगने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड हो। अच्छा, ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन का पहला पॉइंट क्या बना? इंटरसे ट्रांसफर। इंटरसे ट्रांसफर किस किस के बीच में? प्रमोटर के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, कंपनी जो उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी उसके बीच में, और पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के बीच में। ये आपका पहला पॉइंट बन गया। अब यहां से सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप आपने इसको एकदम क्लियर कर लिया है।
आगे बढ़ेंगे और आपको कोई इस आंसर के अंदर ज्यादा चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपके मॉड्यूल में इसे और डिटेल में समझाया गया, बट यू नीड नॉट ऐड दैट। आपसे जब ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन की बात हो रही है तो आप सिर्फ उन लोगों के बारे में बताएंगे जो ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्टेड हैं, दैट्स इट। नाउ सेकंड इज एक्विजिशन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकंड क्या है? एक्विजिशन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब बात समझे नहीं यार, ये ऐसे लोग हैं जिनका काम ही शेयर अक्वायर करना है, आप इनके ऊपर कैसे ओपन ऑफर लगाओगे यार, इनका काम है। अब देखते हैं, सबसे पहला हमने बोला, सबसे पहला आपके मॉड्यूल ने दिया है एक अंडरराइटर। सबसे पहला क्या दिया गया? एक, आई होप इसका लॉजिक बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा जो ये वीडियो को देख रहे हैं, बट स्टिल जिन लोगों के लिए नहीं पता है उनको जल्दी बता दे। बच्चे अंडरराइटर का मतलब क्या होता है? Underwriter is a person जो कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करता है और कहता है कि मैं आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करूंगा, कल अगर आपके शेयर्स मार्केट में नहीं बिके तो जितने शेयर्स नहीं बिकेंगे उतने कौन खरीदेगा? अंडरराइटर खरीदेगा। तो बात समझिए, कंपनी को ऑलरेडी पता है कि अंडरराइटर उसके शेयर्स खरीदने वाला है, और क्या ये किसी से शेयर्स छीन के खरीद रहा है या ऑलरेडी उसके शेयर्स बिक नहीं रहे इसलिए खरीद रहा है? That's why underwriters को अपन ने क्या कर दिया? Exempt कर दिया कि अगर underwriter शेयर खरीदता है और खरीदते खरीदते वो वहां भी पहुंच जाता है जहां पे उसको क्या करना पड़े? ओपन ऑफर करना पड़े, फिर भी वो क्या है? Exempted है। Next up, जल्दी से एक स्टॉक ब्रोकर, सेम लॉजिक आपने स्टॉक ब्रोकर पे भी लगाना है, सही है? स्टॉक ब्रोकर इज अ पर्सन जो आपके बिहाफ पे शेयर खरीदता है और बेचता है, उसको खुद को इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने स्टॉक ब्रोकर को यहां पे बोल दिया कि आप भी एग्जेम्प्टेड है। पर याद रहे, स्टॉक ब्रोकर कब एग्जेम्प्ट होगा? जब वो शेयर खरीद रहा है, पर किसके बिहाफ पे खरीद रहा है? किसी क्लाइंट के बिहाफ पे खरीद रहा है। तो हमने बोला भाई तू क्यों ओपन ऑफर कर रहा है? तू तो किसी क्लाइंट के बिहाफ पे शेयर खरीद रहा था। नाउ थर्ड, अ मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद सेबी। अच्छा बेटा, ये तीसरा आपका मर्चेंट बैंकर। नाउ हु इज अ मर्चेंट बैंकर? जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए याद रहे, एक मर्चेंट बैंकर आपकी कंपनी के शेयर्स के इशू होने से लेके, अगर इशू कंप्लीट नहीं होता है तो रिफंड तक, और अगर इशू कंप्लीट होता है तो शेयर सामने वाले के अकाउंट में पहुंचने तक आपके साथ रहता है। अब आप याद करेगा, एक मर्चेंट बैंकर आपके लिए अंडरराइटर का काम भी कर सकता है, एक मर्चेंट बैंकर आपके लिए इशू रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है। इसीलिए हमने क्या बोला कि एक मर्चेंट बैंकर जो सेबी से ड्यूली रजिस्टर्ड है उसको भी हमने क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट कर रखा है कि अगर तेरी शेयर होल्डिंग 26% से ज्यादा हो गई तो तेरे को, सॉरी 25% से ज्यादा हो गई तो तुझे ओपन ऑफर करने से एग्जेम्प्शन है। सो अब रीड करेंगे, अ मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद सेबी एज और अ नॉमिनेटेड इन्वेस्टर इन द प्रोसेस ऑफ मार्केट मेकिंग। अच्छा, इसने क्या यूज किया? एक मर्चेंट बैंकर जिसको अपन ने क्यों अपॉइंट किया है? मार्केट मेकिंग के लिए। अच्छा बेटा, मार्केट मेकिंग का मतलब क्या होता है? जब कभी भी मार्केट में आपके शेयर्स की वैल्यू बहुत गिर जाती है या फिर मार्केट में आपकी शेयर्स की डिमांड नहीं है, दोनों बातें सेम है, अगर डिमांड नहीं है तो प्राइस कम ही होने वाला है, दिस इज फॉर श्योर। तो अगर मार्केट में आपकी डिमांड गिर जाती है, वैल्यू कम है शेयर्स की, तो ऐसे टाइम पे सेबी क्या कंपनी क्या करती है? अपने को एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करके देती है जो आपके लिए क्या काम करता है? मार्केट मेकिंग का। अब बात समझे, मार्केट मेकिंग का मतलब क्या होता है? कंपनी का गुडविल वापस से क्रिएट करना और जो लोग फंस गए हैं उनको जाने देना, उन्हें निकलने देना। सो मार्केट मेकिंग के अंदर क्या होता है? मर्चेंट बैंकर क्या करेगा? आपके पास आएगा और आप सब शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑप्शन देगा कि लाओ हम आपसे शेयर वापस खरीद देते हैं और हम आपको अच्छे पैसे भी दे देंगे और आप मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं। नाउ जब मर्चेंट बैंकर ये मार्केट मेकिंग वाला काम कर रहा है, क्या उसका इंटेंशन कंपनी को टेक ओवर करने का? आप लोगों ने स्टेबलाइजिंग एजेंट का नाम पहले भी सुना होगा, जिन लोगों ने ग्रीन शू ऑप्शन के बारे में पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं ग्रीन शू ऑप्शन के ऊपर एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उस पर देख सकते हैं। अभी के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जब मार्केट में आपकी शेयर, देखो यहां पे प्राइस गिर गई थी, स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? कभी कभी मार्केट में आपकी शेयर की प्राइस एकदम से अबनॉर्मली फ्लक्चुएट करती है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मार्केट में आपने 1000 शेयर बेचे पर खरीदार 2000 है, 2500 है, 3000 है, बढ़ते जा रहे खरीदार, क्या होगा?
डिमांड बहुत बढ़ गई, सप्लाई बहुत कम है. नॉर्मल रूल, जब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, आपकी प्राइस क्या होगी, रेज होती जाएगी, प्राइस फ्लक्चुएट होने लगेगी. तो यहाँ पे स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये बोलता है सुनो मैं काम करता हूं, मैं जो अपने प्रमोटर्स हैं, याद है अपने प्रमोटर्स की बात की थी, मैं इनके शेयर्स दे लेता हूं और मार्केट में जाके लोगों को इशू करता हूं ताकि डिमांड और सप्लाई मैच होने लगे, ताकि हमारी प्राइस क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी, एक ही जगह पर टिकने लगेगी. इसे कहते हैं प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म. अब बात समझेंगे, जब आपकी प्राइस स्टेबलाइज हो जाती है तो वहां पे पीछे प्रमोटर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पैसे, हमारे शेयर्स तो दो वापस जो हमसे लेके गए थे. अब ये एजेंट क्या करता है, वापस मार्केट में जाता है और देखता है क्या प्राइस स्टेबलाइज हो गई है, लोगों की डिमांड नॉर्मल हो गई है. अब ये धीरे धीरे वापस से जो एक्स्ट्रा शेयर्स इसने दिए थे ये उल्टे खरीदना चालू करता है. अब बात समझेंगे, जब ये शेयर्स उल्टे खरीद रहा है, अगर इसको खरीदते वक्त इसने ओपन ऑफर ट्रिगर कर दिया तो क्या इसको ओपन ऑफर करने की जरूरत है, हमने कर ली, तू एक नॉर्मल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, तू भी एग्जेम्प्ट है, यहां तक एकदम ठीक है. अच्छा, अगर आप अपने आंसर में चार के बारे में बताएंगे तब भी मोर देन सफिशिएंट है, पर स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको एक और ऐड करना है तो आप लोग सिर्फ एक कमर्शियल बैंक का एग्जांपल डाल सकते हैं. ठीक है, तो जहां पे आपने कमर्शियल बैंक को अपने शेयर्स खाली रखने के लिए दिए हैं एज ए सिक्योरिटी, इस टाइम पे कमर्शियल बैंक चाहे इसे अक्वायर भी करे, इसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं आता है. तो इफ यू रीड इट, अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्टिंग एज एन एस्क्रो एजेंट. एस्क्रो का मतलब क्या होता है, जिसके पास सिर्फ शेयर्स डिपॉजिट कर दिए गए हैं एज सेफ कीपिंग. तो हमने बोला कि नहीं, आपके पास डिपॉजिट भी किए हैं तब भी आपके ऊपर एग्जेम्पशन का काम नहीं आता, ये आप अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो. तो अब देखिए, मैंने आपको दो पॉइंट क्लियर करा दिए. एक मैंने कराया आपको इंटरस्टेट ट्रांसफर, जिसमें अपन ने प्रमोटर की बात की, इमीडिएट रिलेटिव्स की बात की एंड बहुत सारे लोगों की. दूसरा पॉइंट तैयार हुआ एक्विजिशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. अब देखो, इन सब का ऑर्डिनरी काम है ये करना, इसीलिए इनको भी अपन ने क्या किया, एग्जेम्प्ट कर दिया. चलिए, यहां से मैं तीसरे पॉइंट पर बढ़ रहा हूं. आई होप यहां तक आप सब लोग प्रॉपर्ली कनेक्टेड है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं. तीसरा है एक्विजिशन पर्सुएंट टू अ स्कीम. अब तीसरा क्या है, आप अक्वायर कर रहे हो बट पर्सुएंट टू अ स्कीम. अब बात समझना, पर्सुएंट टू अ स्कीम, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. मतलब कि एक्ट के तहत ही कोई स्कीम थी जिसमें आपका काम ही क्या था कि आपको शेयर्स अक्वायर करने हैं. अगर उस स्कीम के तहत आप शेयर्स को अक्वायर करते हो तो ओपन ऑफर करने से आप क्या हो, एग्जेम्प्टेड हो. अब इसमें आपने एक देना है सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्कीम के अंदर. तो अगर एक स्कीम बनी है अंडर सिक कंपनीज के अंदर, दैट इज सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज के अंदर, तो वहां वालों को हमने एग्जेम्प्ट किया है. इन लोगों को हमने एग्जाम कर दिया कि आप लोगों को ओपन ऑफर करने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि ये तो एक स्कीम है जहां सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए हमने बनाई. अच्छा, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज का मतलब क्या होता है, अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो हम दूसरी कंपनी को बोलते हैं कि स्कीम के तहत तो इसके शेयर्स को सस्ते में अक्वायर कर ले और इस सिक इंडस्ट्री को चेंज करके वापस से फिट इंडस्ट्री में लेके आ, मतलब वापस से सेल कर दे. ऐसे केस में उस बंदे को ओपन ऑफर देने से एग्जेम्पशन है. अच्छा, आप लोग को चाहिए तो आप एक और चीज दे सकते हैं. That is, मान लीजिए कि आप लोग मर्जर कर रहे हैं, मतलब एक स्कीम ऑफ मर्जर है या फिर अमलगमेशन है. अच्छा, मर्जर अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, जब कंपनीज वॉलंटरली साथ में एक दूसरे से बात करती है कि हम दोनों को क्या करना है, साथ में आना है. जैसे अभी बेस्ट एग्जांपल वोडाफोन आइडिया. वोडाफोन आइडिया ने बोला कि भाई हम दोनों को मर्ज होना है साथ में ताकि हम मार्केट में सबसे ऊपर टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आ सके. अब अगर ये लोग मर्ज हो रहे हैं या फिर अमलगमेट हो रहे हैं तो क्या ऐसे केस में इनको ओपन ऑफर देने की जरूरत है? The answer to that is no. इनको भी हमने क्या बोल दिया? Exemption. ये आपका तीसरा पॉइंट खत्म होता है. तो पहला पॉइंट अपन लोगों ने क्या किया? इंटरस्टेट ट्रांसफर. दूसरा अपन ने क्या किया? जब कोई आप पर्सुएंट टू, सॉरी दूसरा पॉइंट है पर्सुएंट टू स्कीम. अच्छा, और इससे पहले अपन ने कौन सा पॉइंट पढ़ा था, जहां पे अपन लोग किसी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर शेयर्स को अक्वायर कर रहे थे. अच्छा, इसके बाद आपको नेक्स्ट जाना है, आपने ऐड करना है इसके अलावा, इसी के अंदर आप चाहें तो एक और चीज ऐड कर सकते हैं, अलग से मत बनाइए. थर्ड लिख दीजिए अंडर सरफेसी. अगर आप सरफेसी के अंदर करना चाहते हैं तो सरफेसी के अंदर भी कर सकते हैं. अच्छा, सरफेसी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002. अच्छा,
सरफेसी का मतलब क्या है, सरफेसी आप लोगों को अभी इन डिटेल मैं भी अगर पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी के लिए सरफेसी का मतलब है कि जब कभी भी एक कंपनी की एसेट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करने लगती हैं, हम बोलते हैं कि क्यों ना आप अपने उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को जो अच्छा काम नहीं कर रही उसको किसी और को ट्रांसफर कर दीजिए, तो वो भी एक स्कीम ही बन जाती है। इसीलिए इसको भी अपन ने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन दिया है। चलिए यहां तक एकदम श्योर। नेक्स्ट तीन पॉइंट्स एकदम क्लियर है, हम बढ़ रहे फोर्थ पॉइंट। अच्छा, तीन पॉइंट के अंदर के सब पॉइंट्स भी प्लीज इन डिटेल लिखिएगा, गलत मत करिएगा। नेक्स्ट, एक्विजिशन बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन, अब बात समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट, एक्विजिशन बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन। अच्छा, एक मिनट में और क्लियर लिख देता हूं। ट्रांसमिशन, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन, आज मेरे पास कंपनी के 18% शेयर्स है, पर इसी टाइम पे मेरे एक रिलेटिव के पास कंपनी के 18% और शेयर्स है, मतलब उसके पास 18, मेरे पास 18, दैट रिलेटिव डाइड और उसने अपनी विल में लिखा था कि मेरे सारे शेयर्स किसको मिल जाने चाहिए, शराब को मिल जाने चाहिए। नाउ खुश होने के दुख है तो पता नहीं, बट इस केस में जब ये जो 18% शेयर्स हैं जो मेरे पास आ गए, तो इसकी वजह से मेरी शेयर होल्डिंग कितनी होगी, पहले कितनी थी 18%, अब और कितनी हो गई 18% और, मतलब 36%, 36% हो गई। अब मैंने कहा मेरी गलती है, वो मर गए, मेरे पास तो पैसे नहीं और अक्वायर करने के लिए। एंड सेबी ने भी कहा कि हाँ यार, इसका इंटेंशन टेक ओवर करने का थोड़ी था, वो तो सामने वाला बंदा मर गया, इसके शेयर्स यहाँ पे आ गए, तो इन केस ऑफ ट्रांसमिशन आप ओपन ऑफर करने से क्या हो जाते हैं, एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। अभी तक आपका आंसर काफी क्वालिटी हो चुका है, अगर आप ये चार पॉइंट डाल देते हैं। अब अपन बढ़ रहे हैं एकदम फिनिशर की तरफ, अब अपने को आंसर को खत्म करने की बात करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहां पे एक और चीज है, अगर आप चाहें जब कभी भी आप लोग पर्सुएंट टू अ फिफ्थ है ना, एक्विजिशन पर्सुएंट टू राइट इशू। अच्छा, अब एक बात समझेंगे, अगर राइट इशू के तहत, सबको पता है राइट इशू क्या होता है। अब देखिए, अगर आप अपने मॉड्यूल में देखोगे तो राइट इशू में भी दो चीजें की है, अपटिल एंटाइटलमेंट एंड उसके बाद बियॉन्ड द एंटाइटलमेंट। आपको उसमें इतना डिटेल आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को ये क्वेश्चन 5-6 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें हम इतना डिटेल नहीं जा सकते, वी नीड टू सेव ऑन आवर टाइम। नाउ एक्विजिशन पर्सन टू अ राइट इशू, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। राइट इशू का मतलब क्या होता है, लॉजिक क्लियर कर देते हैं। जब कभी भी आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलती है कि भाई आपके पास इतने शेयर्स हैं, इसीलिए मैं आपको और राइट दे रही हूं कि आप और शेयर्स खरीदो। बात समझेंगे, मैं खुद खरीदने आया था क्या शेयर, नहीं, कंपनी ने ऑफर किया था कि आपको चाहिए तो आप मेरे और शेयर खरीद सकते हो, दैट इज टू से मैंने तो मांगे नहीं थे, कंपनी ने ऑफर दिया है, इसीलिए मैंने ऑफर को सिर्फ क्या किया, एक्सेप्ट किया है। ऐसे केस में अगर आप मेरे को बोलोगे कि नहीं तो फिर से ओपन ऑफर दे, अरे कंपनी ने तो बोला था कि मेरा राइट है शेयर्स खरीदना, मैं तो इसलिए खरीदे, मैं तो और खरीदते ही नहीं, क्योंकि आपने ऑफर दिया, मैंने उसे क्या किया, एक्सेप्ट किया। इसीलिए एक्विजिशन पर्सुएंट टू राइट इशू इज आल्सो एग्जेम्प्टेड, आपको ओपन ऑफर करने की जरूरत नहीं है। यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिक्स्थ है, इंक्रीज इन शेयर होल्डिंग, इंक्रीज इन शेयर होल्डिंग because of buyback, because of buyback। अच्छा, increasing shareholding because of buyback, ये बहुत important point बनता है। अच्छा, आप समझेंगे buyback का मतलब क्या होता है। जब company voluntarily अपने shares वापस से खरीद रही है, जब company voluntarily अपने shares वापस से खरीद रही है, अब बात समझना। Let's suppose कंपनी ने क्या किया है, मान लीजिए कंपनी के ये शेयर होल्डर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच है, एकदम ठीक है,
ए के पास कंपनी के 3% शेयर्स हैं, इसके पास 5% शेयर्स हैं, इसके पास 7% शेयर्स हैं, इसके पास 9% शेयर्स हैं, इसके पास 10% शेयर्स हैं, इसके पास 23% शेयर्स हैं, इसके पास 9% शेयर्स हैं, इसके पास 2% शेयर्स हैं, इसके पास 1% शेयर है। मान लीजिए कि इन सबका अगर टोटल निकाला जाए तो 100% हो रहा है, एकदम ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब कंपनी बायबैक करने जाती है तो वो क्या बोलती है कि भाई मैं अपने शेयर्स वापस खरीद रही हूं, जिनको चाहिए वो अपने शेयर्स मुझे क्या दे सकते हैं, वापस दे सकते हैं। अब क्या हुआ, इसने बोला कि मेरे शेयर्स वापस ले लो, इसने बोला कि मेरे शेयर्स वापस ले लो, इसने भी बोल दिया मेरे शेयर्स वापस ले लो। अब बात समझेंगे, पहले जब कंपनी के पास 100 शेयर्स हुआ करते थे, मान लीजिए कि ऊपर सारे जो टोटल शेयर्स हैं वो कितने हैं, 100 शेयर्स हैं। पहले जब कंपनी के पास 100 शेयर्स हुआ करते थे तो मेरे पास कितने थे, एफ के पास 23 शेयर्स थे। अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपने शेयर्स कैंसिल करवा दिए, ये शेयर्स खत्म हो गए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब गिनती अगर माइनस करें तो 15 शेयर्स कम हो गए, अब कितने शेयर्स बच गए, 85 शेयर्स बच गए। तो ऑटोमेटिकली क्या मैं कह सकता हूं कि एफ की शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले 100 में से उसके पास 23 शेयर्स थे, अब उसके पास कितने में से, 85 में से 23 शेयर्स हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसकी शेयर होल्डिंग 25% से ज्यादा आने लग जाएगी। द आंसर इज दैट इज यस। पर क्या इसमें एफ ने कुछ किया, अच्छा अगर इसमें आपको थोड़ा सा डाउट भी आ रहा है तो आप इसे बहुत लेमन साइड पे ले सकते हैं। मान लीजिए कि टोटल 100 शेयर्स थे, मान लीजिए टोटल 100 शेयर्स थे और इसके 5 भागों में हमने इसे बांटा था, ए के पास 20 शेयर्स थे, बी के पास 20 शेयर्स थे, सी के पास भी 20 शेयर्स थे, डी के पास भी 20 शेयर्स थे और ई के पास भी 20 शेयर्स थे, सबके पास 20-20 शेयर्स थे। अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो आउट ऑफ 100% शेयर्स ए के पास 20% शेयर थे, इसके पास भी 20%, इसके पास भी 20, इसके पास भी 20, सिंपल इनफ है। अच्छा अब बात समझेंगे, कंपनी ने क्या किया, बायबैक किया, कंपनी ने किया बायबैक। अब यहां पे क्या हुआ भाई, ई ने अपने शेयर्स हटा दिए, ई ने अपने शेयर्स हटा दिए, सब लोग साथ में है मेरे, ठीक है। पहले मार्केट में कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, पर अब 20 शेयर्स कम हो गए, तो अब नया डायग्राम क्या बन गया, अब कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं, 80 शेयर्स हैं। यहां तक सब मेरे साथ हैं, क्योंकि 20 शेयर्स कम हो गए। अब कितने लोग शेयर्स होल्ड करते हैं, एबीसीडी, ए बी सी डी। अच्छा बेटा, ए के पास कितने शेयर्स थे, 20 शेयर्स थे, बी के पास कितने थे, 20, सी के पास कितने थे, 20 और डी के पास कितने थे, 20। अब दिमाग लगाना, पहले वाले एग्जांपल में जब आप सबके पास 20-20-20 शेयर्स थे तो इनके परसेंटेज शेयर होल्डिंग कितनी थी, 20%, 20%, 20%। अब मैथ्स का रूल लगाओ, 80 और 4 लोग हैं, सबके पास 20-20-20 शेयर्स हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि ए के पास ऑटोमेटिकली अब कितने परसेंट शेयर हो गए, 25% शेयर हो गए। पर क्या ए ने यहाँ पे कुछ किया था इन शेयर्स को खरीदने के लिए या फिर उसकी शेयर होल्डिंग बढ़ने के लिए, आंसर दैट इज नो। तो जब कभी भी कंपनी बायबैक करती है और उसकी वजह से अगर आपकी शेयर होल्डिंग बढ़ती है और आप थ्रेशोल्ड लिमिट पे आ जाते हो तो आपको ओपन ऑफर करने से हमने क्या कर दिया, एग्जेम कर दिया, कि इसमें तो आपकी गलती है ही नहीं है, बायबैक हुआ है, हम क्या कर सकते हैं ना। बट एक चीज ध्यान रहे, जब कंपनी ने, चलिए मैं रब कर रहा हूं, जब कंपनी ने आपके सामने बायबैक का ऑफर रखा था, इस कंडीशन को जरूर लिखिएगा, नंबर कट जाएंगे नहीं तो, जब कंपनी ने आपके सामने बायबैक के लिए बोला था तब आपने, इसी का सब पॉइंट है, तब आपने वोट नहीं किया था, मतलब आपने फेवर में वोट नहीं दिया था बायबैक करने के, आप तो बोल रहे थे भाई जो करना है करो, हमारे को तो नहीं करना बायबैक। सेकेंड, बायबैक पोस्टल बैलेट के थ्रू हुआ है, बायबैक पोस्टल बैलेट के थ्रू हुआ है, देख लीजिए जल्दी से, आप लोगों ने देखना है, बायबैक जिसमें आपने फेवर में वोट नहीं किया था और बायबैक आप लोगों ने पर्सुएंट टू एक स्कीम में किया था जिसके अंदर पोस्टल बैलेट यूज किया गया था। अच्छा याद रहे, अगर मान लीजिए कि ये ऊपर वाली कंडीशंस पूरी नहीं होती है, मतलब या तो आपने उस वोट को फेवर में किया था या फिर बायबैक पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं हुआ था और इसके बाद आपकी शेयर होल्डिंग क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, याद रखना आपको 90 डेज के अंदर, आपको 90 डेज के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग को क्या करना पड़ेगा,
रिड्यूस करना पड़ेगा। कितने से रिड्यूस करना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे लाना पड़ेगा। मतलब कितने से नीचे लाना पड़ेगा? 25% से नीचे लाना पड़ेगा। यहां तक श्योर है? बस आपने मैक्सिमम यही पॉइंट्स डालने। अच्छा, इसके बाद सिर्फ इस आंसर को क्वालिटी नोट से एंड करना। अगर आप देखेंगे आपके मॉड्यूल के लास्ट दो पॉइंट्स को बहुत कंफ्यूज किया गया है कि क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 के लिए आपको इतने दिन पहले रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए इतने दिन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। गाइस, इसके लिए आप एक जनरल पॉइंट बना लीजिए और आपने वही जनरल पॉइंट को लिखना है इस पूरे आंसर को एंड करते हुए। लास्ट पॉइंट होगा इसका और यहां पे हमारे एग्जेम्प्शंस खत्म हो जाएंगे। नाउ लास्ट पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कि आप लोगों ने अगर एक्विजिशन किया है पर्सुएंट टू द अबव क्लॉजेस, अगर आपने अक्वायर किया है पर्सुएंट टू द अबव क्लॉजेस, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इस चीज के लिए रिपोर्ट करना जरूरी है। किसको रिपोर्ट करोगे? स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करोगे जहां पे टारगेट कंपनी के शेयर लिस्टेड है। अच्छा, कितने दिन के अंदर रिपोर्ट करना है? देखिएगा, आपको 4 डेज के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपको कितने टाइम रिपोर्ट करना पड़ेगा? 4 डेज के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये 4 डेज कौन से हैं? ये 4 डेज होंगे 4 वर्किंग डेज, ये होंगे 4 वर्किंग डेज। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ये 4 डेज कहां से काउंट कर रहे हैं? ये 4 डेज काउंट कर रहे हो आप लोग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब आपने एक्वायर कर लिया वहां से 4 दिन। 4 कौन से दिन? 4 वर्किंग डेज के अंदर। और सिर्फ इसमें एक चीज ऐड कर देना, इन स्पेसिफिक केसेस, इन स्पेसिफिक केसेस। यू डोंट हैव टू मेंशन कि स्पेसिफिक केसेस कौन से हैं, क्योंकि उन लोगों ने इतने सारे रेगुलेशन दे रखे हैं, हम याद नहीं रख सकते। आपने कहना है इन स्पेसिफिक केसेस आपको 21 वर्किंग डेज के अंदर करना है। 21 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट करना है। 21 वर्किंग डेज के अंदर क्या कर देना है? रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है? स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करना है। कौन से स्टॉक एक्सचेंज को? जहां पे हमारी टारगेट कंपनी क्या है? लिस्टेड है। आई एम श्योर दिस कंप्लीट्स योर ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन, दैट इज रेगुलेशन 10। आई होप कि आपको ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। एंड नाउ आप लोग जब अपना आंसर लिख रहे हैं तो आपने अच्छी तरीके से समझाना है कि एक्विजिशन क्या होता है, आपने समझाना है कि हॉस्टाइल टेकओवर क्या होता है। अगर आपसे पूछा गया है कि आपको ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन क्या है, तो ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन समझाने से पहले प्लीज ट्रिगरिंग पॉइंट जरूर बताइएगा जो मैंने इस वीडियो में पहले आपको समझाया था, 25%, 25 से 75 के बीच में और 75 वाला। यहां तक सब लोग श्योर है? ठीक है, तो आई पुट एन एंड टू दिस वीडियो, यहाँ पे द कंसेप्ट इज ओवर। ओके, अलोंग विद दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी टोल्ड टू यू कि हम लोगों ने इन सारे वीडियोस का एकदम पूरा कलेक्शन हमारे जीआईएम की ऐप पे भी अपलोड किया है, जहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं। सो प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड ऑल्सो रजिस्टर योर ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू ऑलवेज बी अपडेटेड अबाउट एनी न्यू वीडियोज वी आर मेकिंग। आप उस ऐप पे हमसे डायरेक्ट कनेक्ट भी हो सकते हैं। यू कैन रेज योर क्वेश्चंस, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। हमने वहाँ पे अलग अलग तरीके के एमसीक्यूज क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के राइटिंग पैटर्न्स अपलोड किए हैं, जहाँ पे आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं अपने आंसर्स को। सो अगर आपको और कुछ लगता है, आपको और कोई चीज के बारे में जानना है, तो आप वहां पे हमें फीडबैक में लिख भी सकते हैं और डायरेक्टली हमें कनेक्ट करके बता भी सकते हैं कि आपको और कौन सी चीज पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।